हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशमिला। आज की वीडियो में हम राधा रानी के लिए लहंगा बनाने वाले हैं। ये मैंने 18 इंच की माता रानी के लिए बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा है, एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप भी इसे बना के अपनी माता रानी को पहना सकते हैं। मैं जो भी वीडियो शेयर करती हूँ आपके साथ बहुत ही डिटेल में शेयर करती हूँ, तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसे ईजिली बनाइए और अपनी माता रानी को पहनाइए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशमिला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है माता रानी के लिए। ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई देखेंगे तो ये देखें, यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच रखी है, और चौड़ाई हमारी इधर से अगर आप देखेंगे तो 13 की डबल 26 है। ये देखिए, ये 13 आ रहा है, हमारा फैब्रिक जो है वो डबल है, 26 इंच रखा है हमने। हमें यहाँ से मार्क लगाना है, यहाँ से हम मार्क लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 3 इंच पे मार्क लगाना है, ये ऐसे करके। ये देखिए, ये कुनाई से रखते हुए 3-3 इंच का हम मार्क लगा के एक सर्कल बनाएंगे, ये इस तरह से। ये देखिए, ये हम कमर अपनी बना रहे हैं कमर के लिए, तो ये हमने बना लिया। अब देखिए, यहाँ से हमें इंच टेप रख के और नीचे की साइड 13-13 इंच पे मार्क करना है। ये देखिए, ये 13 इंच का मैं मार्क करूँगी, पूरे गोलाई पे हमें ऐसे लगा लेना है 13-13 इंच का मार्क। ये देखिए, ये इस तरह से रख के और ये 13 इंच का मार्क करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे रखेंगे, यहाँ ऊपर की साइड देखिए 13 इंच पे है, तो यहाँ इस तरह से 13 इंच का मार्क लगा लेंगे। फिर ये चीज़ करनी है, ये हम डायमीटर कट कर रहे हैं, ये देखें, ये इस तरह से ये 13-13 इंच पे हमें मार्क लगाते चले जाना है। अब देखिए, ये पूरा ऊपर तक नहीं लगा रही हूँ मैं, और ये फोल्डेड साइड से मैंने मार्क लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें एकदम पूरा सर्कल नहीं चाहिए। पूरा सर्कल रहता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे लगता है, इसलिए मैं ये देखिए किनारे से इतना इसे हटा रही हूँ। सिर्फ इतना ही हम यूज़ करेंगे किनारे से। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये 3.5 इंच छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे मिला लूँगी, ये हमारा जो मार्क है ये हमें इस तरह से मिला लेना है आपस में। ये देखें, एकदम ईजी तरीका आपको बता रही हूँ गाइस, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये हमने मार्क मिला लिया, अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, पहले नीचे की साइड से ही कट कर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत ही इजी, इजीली बनाइए और पहनाइए। ये इस तरह से ये हमने यहाँ से कट कर लिया, अब हम इसे इधर से भी कट करेंगे। ये देखें, और यहाँ से एकदम हम इतने पे ही नहीं कट करेंगे, इसे थोड़ा सा कम रख के कट करेंगे, ये इस तरह से। देखें, बाद में हमें लगेगा कि अगर हमारा हमारी कमर थोड़ी छोटी है तो हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले हम छोटा ही कट करेंगे थोड़ा। ये कुछ इस तरह का आएगा ओपन होने के बाद, आप देखें बहुत ही परफेक्ट आता है गाइस, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसमें उल्टा करके इसे, इसका नीचे वाला जो गोलाई वाला हिस्सा है वो हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ऐसे मोड़ के सिलाई लगानी है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले सिलाई लगाते हैं, फिर आगे देखेंगे कि क्या करना है। ये देखिए, नीचे की साइड से हमने सिल दिया, अब हम इसे अभी हटा देते हैं। ये देखिए, इस तरह से मोड़ दिया मैंने, हटा देते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये नेट का फैब्रिक लिया है, इसे मैंने देखिए प्रेस कर लिया है। यहाँ पे मैंने इसकी लंबाई 45 इंच रखी है, जितनी अर्ज थी मैंने पूरी कट कर ली है, क्योंकि इस तरह का हम यहाँ पे कई सारा पीस यूज करने वाले हैं। और चौड़ाई अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे 8.5 इंच के करीब में रखी है। हम इसे इस तरह से मोड़ लेंगे, मोड़ के आप प्रेस लगा लीजिए, और उसके बाद देखिए हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसे हम अंदर की साइड ऐसे मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद फिर इस तरह से प्लेट बनाएंगे। देखें, बहुत दूर दूर प्लेट नहीं बनानी है, हम पास पास ही प्लेट बनाएंगे। थोड़ी सी घनी रहती है तो हमारी ड्रेस जो है वो देखने में अच्छी लगती है। ये देखिए, ये इस तरह से हमें प्लेट बनानी है। जो ही लास्ट प्लेट स्टिच होगी, हमारी सुई जो है वो अंदर चली जाएगी। ये देखिए, फिर हम यहाँ पे आगे की प्लेट बनाएंगे इस तरह से, ये ऐसे करके, और इस पे अपनी ऐसे चार उंगली रखेंगे,
और रखने के बाद हम सिल देंगे। यहाँ पे भी प्लेट बनाते वक्त मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी है। ये देखिए इतना स्टिच किया, नीचे से हमें प्लेट अपनी ज़्यादा ध्यान देनी है। ये देखिए जब भी आप प्लेट बनाइए यहाँ पे, तो आप अपना प्लेट नीचे से ध्यान दीजिए कि नीचे से बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की साइड से तो हमारा ज्वाइंट ही होता है, बट नीचे की साइड से अगर आपका बराबर रहेगा तभी वो देख के हमारा बढ़िया सा आएगा। तो देखिए नीचे से बराबर है। चलिए मैं इसी तरह से यहाँ पे इसे पूरा स्टिच कर लेती हूँ, फिर दूसरा फैब्रिक जो इसमें ऐड करूँगी तो दिखाऊंगी कि कैसे ऐड करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे इतना सिल दिया है। जब लास्ट वाला हमारा जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रह गया तभी हम रुक गए। अब यहीं पे हम अपना दूसरा पीस अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से अगर आप अटैच करेंगे तो आपका देख के लगेगा ही नहीं कि आपने यहाँ पे दूसरा पीस अटैच किया। देखिए इस तरह से नया पीस लेना है, इसे फ्रंट से ऐसे मोड़ लीजिए और मोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे से बराबर करते हुए हम इसे रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसे हम टक कर लेंगे। जब एक बार हमारा इसमें टक हो गया तब उसके बाद देखिए ये इस तरह से हम इसे सिलेंगे। ये नीचे वाले को भी मैंने इसी में लेके हल्का सा मोड़ दिया है, ये इस तरह से। ये देखिए ये एकदम बराबर से हमारा बनता चला जाएगा, देख के कोई कहेगा भी नहीं कि यहाँ पे हमने अपना फैब्रिक ज्वाइन किया हुआ है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बट अगर आप एक बार पूरी वीडियो देखते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको समझ नहीं आएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर आप बिगनर भी हैं तो भी मैं आपको एकदम इजी वे में अच्छे से बताऊं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को तो सब्सक्राइब भूल ही जाइए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब किया करें। और मेरा एक और चैनल है डिज़ाइन बाय अमृति, उसमें मैं बहुत सारी एक्सेसरीज इस टाइम डाल रही हूँ वीडियो, तो आप चेक कर लीजिएगा। आपको कान्हा जी, राधा रानी, जिसके लिए भी बनानी हो आप बना सकते हैं, और वहाँ से आप देख भी सकते हैं। आपको जो भी परचेज करना हो वो परचेज भी कर सकते हैं। बहुत जल्द ही सेल स्टार्ट होने वाली है, तो चलिए मैं इस तरह से यहाँ पूरी प्लेट बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे रेडी कर दिया। हमारी प्लेट देखिए कितने अच्छे से आ गई है, बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब चलिए इसे साइड करती हूँ और यहाँ पे मैं अपना ये वाला फैब्रिक ले लेती हूँ। ये देखिए इसे मैंने ले लिया है, इस पे हमें अपनी प्लेट को अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से रख लेते हैं, और रखने के बाद मैंने काफ़ी लंबी सी प्लेट अपनी बना के रखी हुई है पहले से ही, जिससे सिलाई करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना हो। इसे हम लगा लेंगे। ये देखें किस तरह से हमें लगाना है। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से ऐसे रखेंगे और रखने के बाद सिलेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऐसे हमें इससे नीचे रख के सिलना है। ये देखिए इससे लगभग आपका 1 इंच ऐसे बाहर रहे फैब्रिक, और यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए सिल लेती हूँ। ये देखिए मैंने एक पीस को यहाँ पे स्टिच कर लिया है और दूसरे को मैंने पिन की हेल्प से सेट कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है। हम अगर डायरेक्ट रख के सिलेंगे तो फिर ये नीचे की साइड से एकदम बराबर नहीं आएगा, ये हिस्सा हमें बराबर देखना होता है। तो इसे मैंने सेट कर लिया है। अब देखिए मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए हमने यहाँ पे सेकेंड लेयर भी लगा दी। अब हम यहाँ पे अपनी थर्ड लेयर लगाएंगे। तो थर्ड लेयर भी मैंने स्टिच कर ली है, सिंपली यहाँ पे अब रख के हमें सिल देना है। देखिए तीनों हमारा एकदम इक्वल है, तो चलिए इसे भी रख के सिल लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे तीनों को सिल दिया है। अब हम इसे इस तरह से ऐसे उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से हम देखें यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये जो यहाँ पे ये सीधा सीधा है, सिंपल इसे हम सीधा सिल लेंगे इसे ऐसे बराबर करते हुए। ये देखिए ये इस तरह से। तो चलिए सिलती हूँ, यहाँ पे हमारा ये तीनों ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा दिखे आप कट कर लीजिए, सेम हमको दूसरी साइड से भी करना है ऐसे ही। ये देखिए मैंने दोनों साइड से इसे सिल के कट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक ले लिया है, इसकी जगह पे आप टिश्यू रिबन का भी यूज कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे इसकी चौड़ाई देखेंगे तो मैंने 2.25 इंच रखी है। हमें क्या करना है, इसे इस तरह से ऐसे मोड़ना है। मोड़ने के बाद यहाँ पे रखेंगे और रखने के बाद एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मुझे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा था उसे मैंने कट कर दिया और नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है। ऊपर की साइड भी है हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा, बट उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे इस तरह से ऐसे मोड़ लेना है और मोड़ के हम एक सिलाई लगाएंगे और नीचे से जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है उसे हमें अंदर की साइड मोड़ के इसी में सिल लेना है। ये देखिए एक साइड हमने कर दिया, सेम ऐसे हम इसकी दूसरी साइड भी करेंगे। चलिए कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। हमने दोनों साइड से इसे लॉक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे नेफे के लिए फैब्रिक ले लिया है, 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है। हम एक बार इधर से मोड़ेंगे, फिर यहाँ से मोड़ना है और इसे हमें पीछे की साइड से रख के सिल देना है। ये देखिए यहाँ से रख के इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके नहीं सिलाई लगानी है, थोड़ा सा मार्जिन लेके सिलेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया। अब हम इसे पलट के फ्रंट पे ले आएंगे और फ्रंट पे ले आने के बाद देखें एक बार मोड़ेंगे और उसके बाद मैंने ये डोरी रेडी की हुई है। ये देखें ये मैंने कपड़े से ही सिली है, कपड़े वाली जो रहती है उससे फिटिंग हमारी बहुत अच्छी आ जाती है बांधने पे। हम इस तरह से ऐसे यहाँ पे मोड़ के सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपको डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगानी है। चलिए सिल लेती हूँ। यहाँ पे सिलाई को लॉक जरूर करें, स्टार्टिंग और एंड दोनों जगह से। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया। सिलने के बाद ये देखें ये डोरी देखिए मेरी सरक रही है, मैंने कहीं पे डोरी के ऊपर से सिलाई नहीं लगाई है। अब इसे आप जिस तरह से डेकोरेट करना चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। इस पे आप बड़े बड़े से पैच लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ से सिर्फ लेस लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, आप यहाँ पे इसे उस तरह से डेकोरेट कर लीजिए। आप चाहें तो इस तरह से प्लेन रख के भी पहनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर मैं इसकी तैयार लंबाई दिखाऊँ तो इसकी जो तैयार लंबाई वो है हमारी 10.5 इंच। ये देखें 18 इंच की राधा रानी के लिए मैंने बनाया है, इतनी लंबाई एकदम परफेक्ट है उनके लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये ब्लाउज के लिए फैब्रिक ले लिया है। अगर आप यहाँ पे इसकी लंबाई देखेंगे तो 9 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पे जो है वो 6.5 इंच रखी है। मैंने डबल लिया है क्योंकि सिंगल ये बहुत पतला था, आर पार्ट दिख रहा था, तो इसीलिए मैंने डबल लिया हुआ है। अब देखिए हम इस तरह से इसे एक बार मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ से ऐसे नाखून लगाइए, नाखून लगाने के बाद एक बार यहाँ से फिर से मोड़ लेंगे। ये इस तरह से ये हमने मोड़ दिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए मार्क करना है, तो ये इस तरह से हम यहाँ पे 2 इंच का मार्क करेंगे। ये देखिए ये हमने ऊपर से 2 इंच का मार्क किया और यहाँ से हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे। ये देखिए इस मार्क को हमें ऐसे मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे, तो ये हमारी आर्म होल हो गई। और यहाँ पे हम ऐसे ही एक छोटा सा नेक कट कर लेंगे। ये देखिए बहुत इजी तरीका है गाइस, ये इस तरह से ये हमने कट कर लेना है। यहाँ से देखिए हम ऐसे थोड़ा तिरछा कट करेंगे जिससे ये कंधे पे हमारा सही रहे, और यहाँ से ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए इतनी कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से हम इस तरह से निकालेंगे। ये दो दो पीस हम एक एक साथ रखने वाले हैं। तो देखिए अगर आप थोड़ा सा मोटा अस्तर का फैब्रिक ले रहे हैं तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। अब देखिए इसे मैं फ्रंट के लिए बनाऊंगी, तो फ्रंट वाले की जो आर्म होल है वो हमारी डीप रहती है, तो हम यहाँ पे इस तरह से इसकी आर्म होल को थोड़ा सा डीप कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने कट करके निकाल लिया है। और बैक वाले पे हमें क्या करना है आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से है, तो बैक वाले को हम यहाँ से कट करके अलग कर लेंगे। ये इस तरह से हमने कट कर दिया और यहाँ पे ये जो हमारा वी शेप आ रहा है इसे हम ऐसे कर देंगे। ये देखें यहाँ से इसकी कोनाई को हमें ख़त्म कर लेना है। ये हमारा कुछ इस तरह का हो गया है। अब हमने यहाँ पे देखिए नेट का फैब्रिक है लिया हुआ, इसे भी हमने डबल करके ही लिया है। इस पे हम ये जो हमारा पीस है इसे रख के स्टिच कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से एक साइड हम इसको रख के सिल देंगे और दूसरी साइड हम इस तरह से देखें ये ऐसे करके इसे रख के सिल लेंगे इस तरह से। तो चलिए दोनों को सिलती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है।
ये देखिए हमने यहाँ पे नेक पे सिल दिया है। अब यहाँ से हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ नेक पे भी हम थोड़े छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरह से, जिससे अभी हम जब इसे पलटें तो हमारी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। ये देखें हल्का सा ही मैंने कट लगाया है। अब हम इस तरह से इसे पलट देंगे और अब पलटने के बाद मैं इस पर पूरा सिलाई लगा लूँगी। चारों साइड से इस पर एक बार ऐसे सिलाई लगा लेनी है। चलिए सिल देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। सिलने के बाद यहाँ से हम देखें इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ पे ये नीचे से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, उसे हमें एक्स्ट्रा ही रखना है। बाकी यहाँ से हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए ये ऐसे करके ये पूरा हमें निकाल देना है। यहाँ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखें ये हमने निकाल दिया। ये देखें साइड से भी हम निकाल लेते हैं जो भी एक्स्ट्रा है। ये इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है। अब हमें यहाँ पे दो प्लेट बनानी है। तो देखिए इस तरह से ऐसे मोड़ के बनाएंगे। दो हमें पतली पतली सी प्लेट बनानी है। चलिए बना लेती हूँ। फ्रंट पल्ला हमने सिल दिया है। अब बैक वाला पल्ला हम स्टिच कर लेते हैं। तो इसे देखिए कैसे स्टिच करना है। इन दोनों को यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे और रखने के बाद देखिए दोनों को ऐसे ही आमने सामने आप रखिएगा, तभी आपकी सही से सिलाई आएगी। यहाँ से यहाँ हम सिलेंगे पहले। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया। अब सिलने के बाद हम इसे भी पलट देंगे और पलटने के बाद अब हम इस पर भी पूरा चारों साइड से सिलाई लगा देंगे। चलिए सिल लेती हूँ। सेम ऐसे ही दूसरे पीस को भी रेडी करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है। सेम तरीके से हमने अपना दूसरा पीस भी रेडी किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले को देखिए ये दोनों को हमने सीधी साइड से रखा है और इस पर हम उल्टी साइड से इस तरह से इसे रखेंगे और अब इन्हें हमें आपस में स्टिच करना है। तो चलिए सिल लेती हूँ। इन दोनों का कंधा हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक पल्ला इस तरह से रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे अपनी स्लीव। स्लीव के लिए मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। इधर से हमने इसे 8 इंच रखा है और इस साइड से हमने इसे 8 इंच रखा है। 8 इंच लंबाई चौड़ाई का लिया हुआ है। ये भी हमारा डबल ही है। ये देखें हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद एक बार और मोड़ेंगे। ये देखें दो बार मोड़ने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे मार्क लगाना है। ये देखिए यहाँ से ये इस तरह से स्लीव का हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए मैंने कर दिया है। अब यहाँ इसे मैं कट कर लूँगी। ये इस तरह से यहाँ कट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐसे छोटा सा कट लगा लीजिए मार्क के लिए और इधर से भी हम ऐसे तिरछा कट कर देंगे इसे। ये हो गया। अब इतना करने के बाद हमने देखिए क्या करना है, इसे ओपन करना है और इसकी जो फ्रंट साइड है वो हम कट करेंगे। मीन्स हमारा जो स्लीव आगे के पल्ले पर लगेगा वो हमें कट करना है। पहले तो इसे बराबर करती हूँ। अगर बराबर नहीं रहेगा तो फिर वही हमारा गलत कट जाएगा। इसे अच्छे से आप बराबर कर लीजिए, उसके बाद ही कटिंग करिए। ये देखिए ये हमारा बराबर अब हो गया है। हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से देखें एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद इधर भी ऐसे एक छोटा सा मार्क लगा लेती हूँ जिससे मुझे पता चले कि ये फ्रंट पल्ला है। अब हमें देखिए इस तरह से उठाना है इसे। ये देखें दोनों पीसेस हमने इस तरह से पलट लिए ऐसे करके और ऐसे ही हम इसे सिलने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये फैब्रिक लिया हुआ है। आपको इसी तरह से इसे रख लेना है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे डबल के ऊपर रख दिया इसे और अब यहाँ पे मैं एक पिन लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से पिन लग कर ली और इसे भी हमें डबल के ऊपर ही रखना है। नेट का भी हमारा डबल ही फैब्रिक रहेगा। रखने के बाद
इस पे भी हम एक पिन कर लेंगे। अब अगर आप दोनों चीज़ में नोटिस करेंगे तो देखिए दोनों, ये जो इसका यस शेप है या जो भी शेप है, दोनों आमने सामने हैं, और यहाँ जो स्लीव भी हमने फ्रंट का कट किया हुआ, ये भी हमारा यहाँ पे है। अब चलिए हम इस पर सिलाई लगाते हैं, एक को सिल के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए सिलने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है, अब हम इसे पलट देंगे। ये इस तरह से हमें पलट लेना है, और पलटने के बाद अब इस पर हम पूरा चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिल देते हैं अब हम इसे। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे रेडी कर दिया है। अब सेम तरीके से हम दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। चलिए करती हूँ, फिर दिखाऊंगी आगे आप। ये देखिए हमारा दूसरा पीस भी रेडी हो गया। अगर मैं दोनों को देखें इस तरह से उल्टा करके दिखाऊं तो देखिए ये वाला कट वाला है, यहाँ पे भी है और ये सेंटर में है, और दोनों का ऐसा हमारा एकदम आमने सामने है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम सिलाई करेंगे। अब देखिए इसे हमें ले लेना है, सीधी साइड से हमने रखा है इस पर हम। ये देखिए जो फ्रंट वाला कट है, ये फ्रंट पल्ला है, तो ये देखिए ये जो कट है ये हमारा इस साइड रहना चाहिए। ऐसे उल्टा करके ही देखिए, उल्टा ये सीधा साइड से रखिए, इसे उल्टी साइड से ऐसे पकड़ लीजिए और इसका कट देख लीजिए कि आपके फ्रंट पे है कि नहीं। तो हमारा देखिए कट यहाँ फ्रंट पे है। बस हम इसी तरह से यहाँ पे इसके सेंटर को मिलाते हुए रख लेंगे, और रखने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसे मैं सिल लेती हूँ। यहाँ पे आप अपनी मशीन की सिलाई को थोड़ा सा छोटा ही रखिए। ये देखिए हमने यहाँ पे सिल दिया है। सेम ऐसे ही इसकी दूसरी साइड भी हमें अटैच करनी है। जब भी आप सिलिए तो अपने फ्रंट पल ये जो पल्ला है इसे नीचे साइड रखिए, और स्लीव को ऊपर साइड से रख के सिलेंगे तो आप इजीली इसे स्टिच कर सकते हैं। चलिए दूसरी साइड भी सिल लेती हूँ, फिर बताऊंगी आगे क्या करना। ये देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है। अब हम इस तरह से इसे मोड़ लेंगे। ये जो कंधा है ये कंधे को ही पकड़ के आप इसे मोड़ लीजिए। ये देखें ये यहाँ से इसे बराबर कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिल लेते हैं एक बार हम इसे। ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड से सिल दिया। अब यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ये इस तरह से स्लीव पे ही है हमारा एक्स्ट्रा, उसे हमें कट कर देना है। ये हमने कट कर दिया। स्लीव हम ढीली ही सिलते हैं, अगर आप बहुत टाइट सिल देंगे तो फिर आपको पहनाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अब देखिए इसका ये वाला हिस्सा हमें लॉक करना है, तो इसके लिए पहले तो हम इसे बराबर करते हैं। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा है इधर उधर से, वो हमने इस तरह से कट कर दिया, और अब हम इसे सिलेंगे। तो देखिए ये नेट तक मोड़ना है, और उसके बाद हमें इसे एक बार और मोड़ लेना है। बस ऐसे ही करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमारी ब्लाउज यहाँ पे रेडी हो गई है, ये इस तरह से। अब इसे आपको कैसे पहनाना है ये देखें, ये फ्रंट साइड से आप पहना लीजिए, और पहनाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है ये देखिए, ये स्लीव इसकी ढीली ही रखनी है। अगर आप चौड़ी रखेंगे तो फिर पहनाने में प्रॉब्लम होगी, तो आप पहनाने के बाद स्लीव को ऐसे पीछे से पकड़ के पिन कर सकते हैं, तो ये हमारी फिटिंग की हो जाती है। और वैसे ही आपको सेम इस स्लीव के साथ भी करना है, और पीछे की साइड से हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के पिन लगा लेते हैं, तभी इसकी अच्छी फिटिंग आएगी। नहीं तो आप कुछ भी करेंगे, चिट चैट बटन या हुक कैसे भी करेंगे, आपकी इसकी अच्छी फिटिंग नहीं आ सकती है। तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ। ये देखें आप यहाँ पे ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं। मैंने माइक नहीं लगाया है क्योंकि माइक लगा के सूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बाकी आप लहंगा भी देख सकते हैं, अभी मैंने कोई भी श्रृंगार नहीं किया है, बिना श्रृंगार के ही मैंने एकदम प्लेन रखा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी पहनाऊंगी, श्रृंगार करके भी आपको दिखा दूंगी। तो देखिए फिटिंग बहुत अच्छी आई है, हर जगह से आप सेफ देख सकते हैं ब्लाउज का। मैंने पीछे यहाँ यहाँ पे ये पिन लगाई हुई है, ये देखिए इसे थोड़ा सा मोड़ के मैंने पिन इधर भी लगाया है और मैंने इधर भी लगाया। तो मैंने आज की वीडियो में आपको लहंगा बनाना बताया है और ब्लाउज बनाना बताया है। एकदम प्लेन और बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा आपको बनाना बताया हुआ है, और इसका जो दुपट्टा है वो जब मैं पूरा श्रृंगार कर लूंगी उसके बाद मैं देखूंगी कि किस तरह का दुपट्टा अच्छा लग रहा है, तो वैसा दूंगी दुपट्टा। वैसे तो मैंने सोचा है प्लेन दुपट्टा ही देने को, बट देखें क्या होता है, जैसा अच्छा लगेगा श्रृंगार पे माता रानी की उस तरह का दुपट्टा ही नहीं दूंगी। तो मैं श्रृंगार करने के बाद की ही आपके साथ वीडियो अपलोड जरूर करूंगी, जिससे आपको भी पता चले कि आप किस तरह का यहाँ पे दुपट्टा दे सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।